नमस्कार दोस्तों, आज भी हम सेंगे हम आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो इस गाने को सेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस गाने को सेंगे एफ शार्प माइनर स्केल में और इस गाने हम सीखना शुरुआत करेंगे। इस गाने की जो स्टार्टिंग में जो म्यूजिक लाइन था गिटार का, हम वहीं से सीखना शुरुआत करेंगे। तो आइए सीखते हैं इस गाने की लाइनिंग को। तो इस गाने का जो पहला लाइनिंग है गिटार का, आपको कुछ स्टेप से लाना है। पहला लाइन देखिए, स्टेप से दोस्तों, पहला लाइनिंग को आपको एक ही लाइन को एक ही जैसे दो बार प्ले करना है। तो देखिए स्टेप से लेना है आपको, और एक बार ये हमारा पहला गिटार का म्यूजिक लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं जो सेकंड म्यूजिक लाइन है गिटार का, उसको सीखते हैं। तो हमने पहला जहां पर खत्म किए थे, हम वहीं से सेकंड लाइन शुरुआत करेंगे गिटार लाइन स्टेप से। सेकंड स्टेप से ये हमारा सेकंड गिटार लाइन भी क्लियर। तो इसके बाद में आपको वापस से पहला लाइन प्ले करना है, और एक बार एक बार गिटार म्यूजिक लाइन पहला और सेकंड लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे की जो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन है उसको सीखते हैं। तो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन आपको कुछ स्टेप से लेना है। आप सीखते हैं सेकंड स्ट्रिंग लाइन को, स्ट्रिंग लाइन भी क्लियर। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रिंग लाइन को मैंने एकदम आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई लाइन नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसका आगे की जो गिटार म्यूजिक लाइन है उसको सीखते हैं। तो इसका आगे की जो गिटार म्यूजिक लाइन है, हमने जो स्ट्रिंग लाइन सीखे थे उसी को आपको इस बार गिटार लाइन में आपको प्ले करना है। तो कुछ हिसाब से देखिए, सेकेंड तो इस स्ट्रिंग का और जो गिटार लाइन है, हमने जो गिटार लाइन सीखे हैं इसको आपको सिर्फ लास्ट लाइन को आपको चेंज करना है। आपको एक ही लाइन दिखाई दे रहा होगा लेकिन आपको सिर्फ लास्ट जो गिटार लाइन है उसको आपको चेंज करना है। कुछ से क्लियर। तो इस म्यूजिक लाइन को और एक मैंने आपको समझाता हूं। तो कुछ से लेना, देखिए सेकेंड वापस से पहला, ये हो गया हमारा म्यूजिक लाइन क्लियर। तो अब हम सीखेंगे इस गाने का जो लाइनिंग है उसको सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस गाने का जो लाइनिंग है आप लोग एकदम आसान तरीके से निकाल पाएंगे और एकदम इजी लाइनिंग है। तो पहला लाइनिंग देखिए, आपको कुछ स्टेप चलना है। सिर्फ देखिए एक दो तीन चार पाँच, पहला लाइनिंग आपको मुखरे का पहला लाइन को सिर्फ आपको पाँच के ऊपर क्लिक करना है स्टेप से। एक बार मुखरे का पहला लाइनिंग क्लियर। अब सीखते हैं मुखरे की जो सेकंड लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो सेकंड लाइनिंग कुछ स्टेप से लेना है, सेकंड देखिए स्टेप से, मुखरे का मुखरे लाइन एकदम क्लियर। तो इस तो आपको इस गाने का मुखरे लाइन को आपको एक ही लाइन को एक ही जैसा दो तीन बार आपको दो लाइन को प्ले करना है। तो आइए आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है और जो अंतरा लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो पहले
म्यूजिक लर्निंग को और अंतरण को पहले हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले आइए कुछ स्टेप से क्लियर कर लेते हैं। तो सीखते हैं पहले म्यूजिक लर्निंग को, उसके बाद में सीखेंगे अंतरक लर्निंग को। तो पहला जो म्यूजिक लर्निंग है उसको देखिए। तो पहला जो म्यूजिक लर्निंग आपको सैक्सोफोन को लेना है, तो कुछ स्टेप से पहला म्यूजिक लर्निंग। देखिए तो पहला जो म्यूजिक लर्निंग सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 ही ब्लैक की आपको पहला म्यूजिक लर्निंग क्लियर करना है सैक्सोफोन का स्टेप से। पहला म्यूजिक लर्निंग क्लियर, अब हम सीखते हैं सेकंड म्यूजिक लर्निंग सैक्सोफोन का, उसका सीखते हैं। तो सेकंड म्यूजिक लर्निंग कुछ स्टेप से, तो सेकंड म्यूजिक लाइन कॉर्ड पर देखिए स्टेप्स लेना है। आप सीखते जो थर्ड म्यूजिक लाइन है सैक्सोफोन का, उसको सीखते हैं। तो थर्ड म्यूजिक लाइन स्टेप्स लेना है। स्टेप से थर्ड म्यूजिक लाइन, ये मेरा सैक्सोफोन म्यूजिक लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो गिटार म्यूजिक लाइन है उसको सीखते हैं। तो गिटार म्यूजिक लाइन को पहला भाग आपको कुछ स्टेप्स लेना है, सिर्फ 4 ब्लैक की ऊपर, 1 2 3 4 इन 4 ब्लैक की ऊपर आपको पहला म्यूजिक लाइन क्लियर करना है स्टेप से। ये मेरा पहला गिटार म्यूजिक लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं सेकंड लाइन है, सेकंड म्यूजिक लाइन सिर्फ 1 2 3 सिर्फ को 3 की ऊपर क्लियर करना है स्टेप से गिटार म्यूजिक लाइन को। आप सीखते जो थर्ड म्यूजिक लाइन है उसको सीखते हैं, थर्ड म्यूजिक लाइन स्टेप से। तो थर्ड म्यूजिक लाइन भी क्लियर गिटार का। आप सीखते जो लास्ट है चौथा लाइन उसको सीखते हैं गिटार म्यूजिक लाइन को, चौथा स्टेप से। तुम्हारा गिटार म्यूजिक लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं इसका आगे के जो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन है उसको सीखते हैं। तो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन को पहला भाग आपको कुछ स्टेप से लेना है, पहला भाग को और देखिए म्यूजिक लाइन को स्टेप से। तो पहला हमारा स्ट्रिंग लाइन क्लियर। आप सीखते जो सेकंड स्ट्रिंग लाइन है उसको सीखते हैं। तो सेकंड स्ट्रिंग में कुछ स्टेप्स लेना है का, उसका था तो आपको कुछ स्टेप्स लेना है। तो एक बड़ा अंतरा का पहला जो म्यूजिक लाइनिंग एकदम क्लियर। तो अब हम सीखेंगे इस गाने जो अंतरा लाइन है उसको सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतरा का जो लाइनिंग है एक ही लाइनिंग है, आपको एक ही लाइनिंग को 2-3 बार आपको प्ले करना है। तो कुछ स्टेप से अंतरा का पहला लाइनिंग देखिए, स्टेप से इसी लाइन को और एक बार, तो अंतरा का पहला लाइनिंग को आपको एक ही लाइन को एक ही जैसे 2 बार प्ले करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं, और एक बार, ये बड़ा अंतरा का लाइनिंग एकदम क्लियर। तो देखिए इसके बाद में आपको मुखरी लाइन प्ले करना है। तो आइए आप लोगों को समझ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको सीखते हैं, उसके बाद में इसको भी आगे जो म्यूजिक लाइनिंग उसको भी सीखेंगे। तो पहले म्यूजिक लाइनिंग को क्लियर कर लेते हैं इस टाइप से। तो
सीखते हैं इस गाने का म्यूजिक लर्निंग को। तो देखिए, तो अंतरग्रहण एक ही रहेगा, आपको सिर्फ म्यूजिक लर्निंग को चेंज कर लेना है इस गाने के लर्निंग में। तो सीखते हैं इस गाने का जो म्यूजिक लर्निंग उसको सीखते हैं। तो म्यूजिक का जो पहला भाग है उसको देखते हैं, कुछ स्टेप्स है गिटार का म्यूजिक लर्निंग, कुछ स्टेप्स है। तो पहला भाग देखिए, एक दो तीन, आपको सिर्फ तीन ही क्लिक करना स्टेप्स है। उसके अंदर सेकंड में, तो सेकंड गिटार म्यूजिक लर्निंग सिर्फ एक दो तीन चार, सिर्फ चार की क्लिक करना स्टेप्स है। थर्ड देखिए, थर्ड सिर्फ एक दो तीन, सिर्फ तीन की ऊपर क्लिक करना स्टेप्स है। इसका चौथा देखिए, चौथा स्टेप्स है। तो इसके बाद में जो स्ट्रिंग लाइन है उसको सीखते हैं। तो स्ट्रिंग लाइन कुछ स्टेप्स है, तो देखिए तो इस स्ट्रिंग लाइन को हमने जो गिटार लाइन पहले सीखे हुए थे उसी लाइन को आपको स्ट्रिंग में प्ले करना है, सिर्फ आपको इस लाइन को चेंज करना है। देखिए स्टेप से, और बाकी सारे पहला वाला गिटार म्यूजिक लाइन स्टेप से, उसका सेकंड में, थर्ड, उसका चौथा। तो इसके बाद में आपको वापस से अंतरण प्ले करना है। तो अब हम सीखेंगे इसका आगे का जो लास्ट लाइनिंग है म्यूजिक का, उसको सीखेंगे। तो लास्ट म्यूजिक लाइन को भी पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले आइए कुछ स्टेप से क्लियर कर लेते हैं। सीखते हैं इस गाने का म्यूजिक लर्निंग को। तो देखिए, तो इस गाने का जितना भी अंतरलाइन सब एक ही जैसे ही है, आपको सिर्फ म्यूजिक लर्निंग चेंज करना है और गाने का अंतरलाइन को आपको वही प्ले करना है। तो सीखते हैं इस गिटार म्यूजिक लर्निंग को। तो देखिए, तो सबसे पहला जो गिटार म्यूजिक लर्निंग है आपको क्या करना है, हमारा जो पहला म्यूजिक लर्निंग सीखे थे गिटार का उसी लाइन को आपको यहाँ पे प्ले करना है और आपको सिर्फ स्ट्रिंग लर्निंग में चेंज करना है। तो पहला म्यूजिक लर्निंग कुछ स्टेप्स है गिटार का, और एक बार, ये लाइन हम सीखे हुए थे। अब हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग था इसको सीखते हैं। तो स्ट्रिंग का म्यूजिक लाइनिंग है, कुछ स्टेप से लेना है आपको। देखिए, सिर्फ इसी म्यूजिक लाइन को आपको चेंज करना है। तो और एक बार देख लीजिए स्टेप से, तो ये हमारा गाने का जितना भी लाइनिंग था सारे क्लियर। तो देखिए, तो इसके बाद आपको वापस से अंतरलाइन प्ले करना है, उसके बाद आपको मुखड़े लाइन प्ले करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस गाने का जितना भी म्यूजिक लाइनिंग था और जितने गाने की लाइनिंग था मैंने आपको एकदम आसान तरीके समझा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।